Good morning, students. Today I'm not going to start a new chapter, but we are going to see which are the chapters we have already gone through. From first chapter, that is Let Us Go to School, till the last chapter, that is the Anita and the Honeybees. Now, there are so many chapters which we have just now we have gone through. But in the book, there are no questions are there. Only questions like find out and little few question and answers are there. But madam has written fill in the blanks, true and false, and match the following, and few questions which madam is going to discuss in this session, in this lecture. Madam will show and she is going to ask you, and you have to write in your classwork notebook, because whenever I'm going to ask, I will ask from these type of questions only. These type of questions I'm going to ask. तो आपको आज जो मैडम डिस्कस कराएगी चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 से लेके जो भी क्वेश्चन आंसर्स मैम ने फ्रेम किए हैं, वैसे ही आपको लिखना है जो मैडम समझाएगी. आपको अच्छी तरह से नोटबुक में लिखना है, क्योंकि मैडम जब भी पूछेगी कोई भी अगर चीज मैम पूछती है तो उन्हीं में से पूछेगी. ठीक है, तो लेट अस सी नाउ व्हिच आर दोस क्वेश्चंस. ओके, लेट अस सी इन अवर नोटबुक. Now, see, madam has written worksheet 1, chapter 1, 2, 3, 4, 5. Question number 1, choose the correct options. The options are written here. Madam is reading. Now, you have to write and you have to mark them and you have to write in your notebook. Dash place of Gujarat are surrounded by water. Which is the place? Bet Dwarka or Gir Forest? Yes, Bet Dwarka. So, madam is doing tick here. You have to write Bet Dwarka over here. Okay? Aapko Bet Dwarka yahan likhna hai. Nidhi's legs are not working by birth. So, she is dash. Nidhi ke pair bachpan se hi, jab se wo paida hui hai, kaam nahi karte. To usse hum English mein kya kahenge? Blind ya phir handicap? क्या चाइल्ड कहेंगे? हैंडीकैप चाइल्ड. जिसके हाथ पैर काम नहीं करते हैं उसे हम बोलते हैं हैंडीकैप चाइल्ड. ये चैप्टर नंबर फर्स्ट से है. पावागढ़ और अंबाजी इज नोन फॉर. पावागढ़ और अंबाजी को किस लिए हम जानते हैं? वो टेम्पल है या वहां पर स्कूल है? बिल्कुल ठीक, देयर इज एन टेम्पल. वेरी गुड, वहां पर एक टेम्पल है. देयर इज अ टेम्पल. आई थिंक काफी लोगों ने देखा भी होगा. फिर यहां पर देखिए फोर्थ, गोट माउस गिव बर्थ टू. क्या देते हैं? यंग वंस देते हैं या एग्स देते हैं? यंग वंस. वेरी गुड. नंदू इज अ बेबी. बेबी क्या है? एलिफेंट है या बर्ड है? एलिफेंट. वेरी गुड. नंदूज डैश इज ओल्डेस्ट इन द हर्ड ऑफ एलिफेंट. नंदू की मदर या नानी सबसे बड़ी है. हर्ड मतलब जहां पर एलिफेंट्स एक साथ रहते हैं. तो नंदू की कौन, मदर या नानी? नानी. तो आपको नानी लिखना है. फिर द डैश मड और वाटर कीप्स एलिफेंट्स स्किन कूल. एलिफेंट के स्किन को कूल रखने के लिए वो क्या अप्लाई करते हैं? मड या फिर वाटर. वाटर से वो नहाते हैं लेकिन मड से वो अप्लाई करते हैं जिससे उनका स्किन कूल रहता है. मड मतलब मिट्टी लगा हुआ, मिट्टी से भरा हुआ, उसमें पानी होता है, मड कहते हैं उसे, कादा भी कहते हैं. ठीक है, फिर एट पॉइंट है. एट फिल इन द ब्लैंक्स है. द डैश ट्री इज फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया. कौन सी ट्री डेजर्ट एरिया में मिलती है? बिल्कुल सही, खेजाड़ी. नीम नहीं, नीम नहीं मिलती, खेजाड़ी ट्री मिलती है. अनीता खुशवाहा लिव इन बो चाचा या फिर खेजाड़ी विलेज. अनीता खुशवाहा कहाँ पर रहती है? बो चाचा में या फिर खेजाड़ी विलेज में? कहाँ पर रहती है? बिल्कुल सही, बो चाचा. ठीक है, अनीता खुशवाहा बो चाचा जो विलेज है वहां पर रहती है. अनीता ऑल्सो कीप हनी बीज या एंट. अनीता क्या रखती है? कीप्स होगा यहाँ पर. अनीता ऑल्सो कीप्स हनी बीज रख रही है या वो एंट, वो क्या रखती है? हनी बीज.
और हनी बी को पालने को क्या कहते हैं? अगर आप हनी बी को पाल रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं? मैम ने पढ़ाया था एपिकल्चर। तो ये जो 10 मैडम ने अभी आपको फिल इन द ब्लैंक्स समझाए हैं, चूज द करेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो ये आपको लिखना है, ठीक है, अपनी नोटबुक में कि वेन एवर मैडम विल आस्क, मैडम शी इज गोइंग टू आस्क फ्रॉम योर, ओके, सो यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, ओके। ओके नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इफ यू सी योर क्वेश्चन नंबर टू इज राइट ट्रू एंड फॉल्स, जहां पर होगा आपको मार्किंग करनी है टिक एंड रॉन्ग, ओके। The madam is reading the first one. The honeybees are attracted to the mango trees. Honeybees किससे attract होते हैं? Mango trees से या लीची? Very good. लीची trees. So this is a wrong. Put a wrong here. Okay? आपको यहाँ पर गलत करना है. Honeybees lays eggs from October to December. Yes, this is correct. एकदम सही है. ठीक है? तो यहाँ पर tick. फिर ants, honeybees and termites live in a group. So, they are social insects. Ants, honeybees or termites live in a group. तो उनको हम क्या बोलते हैं? मैम ने आपको पढ़ाया था social insects. Yes. They are not social animal. They are social insects. Social insects हैं. तो इसीलिए tick. People cook and eat khejadi fruits. जो beans होते हैं उनको खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं, ठीक है, जो वहां पर लोग रहते हैं वो खाते हैं क्योंकि बहुत शक्ति देता है, इट इज वेरी स्ट्रांग, और एनिमल्स को भी खिलाते हैं। नाउ फिफ्थ इज खिजाड़ी वुड इज नॉट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट, बिल्कुल ट्रू है, सही है, उसकी वुड जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, इंसेक्ट उनको जैसे टर्माइट है उनको खराब नहीं कर सकते, तो इट्स वुड इज वेरी गुड, तभी तो किंग ने ऑर्डर दिया था ना कि भाई वो वुड काटो और मेरे महल में मुझे उससे महल बनाना है, ठीक है, उसने अपने लोगों को ऑर्डर दिया था। फिर सिक्स पॉइंट है, जोधपुर इज लोकेटेड इन बिहार, जोधपुर इज लोकेटेड इन बिहार, बिहार और राजस्थान, सो दिस इज अ रॉन्ग, ठीक है, ये रॉन्ग है। एलिफेंट्स ईट ट्विग्स एंड लीव्स ऑफ ट्रीज, एलिफेंट्स ट्विग्स जो कच्ची कच्ची ब्रांचेस होती हैं और लीव्स खाते हैं ट्रीज के, यस दिस इज ट्रू। बर्ड्स लिजार्ड्स क्रोकोडाइल्स हैव होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ देयर हेड्स, यस दिस इज ट्रू, क्योंकि इनके ईयर्स नहीं होते, ईयर्स किसके होते हैं? सो हमारे जैसे मैमल्स के होते हैं, बाहर ईयर्स यू कैन सी, इजंट इट। फिर निधि गोज टू स्कूल विथ हर मदर, निधि अपनी मम्मी के साथ जाती थी? नहीं, वो किस में जाती थी? व्हील चेयर में जाती थी, पहले वो मम्मी के साथ जाती थी लेकिन बाद में वो मदर के साथ नहीं व्हील चेयर में जाती थी, है ना, तो दिस इज रॉन्ग। कैमल कार्ट इज यूज्ड इन डेजर्ट फॉर गोइंग टू स्कूल, कैमल कार्ट यूज होता है ना डेजर्ट में स्कूल जाने के लिए, है ना, वहां पर वैन नहीं चलता, तो ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। सो प्लीज राइट दीज ट्रू फॉल्स, यहाँ पर 10 ट्रू एंड फॉल्स हैं बच्चों, सो आपको ये लिखना पड़ेगा, ओके, प्लीज राइट दिस, ओके। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैच द फॉलोइंग निधि, अब निधि के लिए हम क्या लिखेंगे? निधि, निधि क्या थी? 10th पॉइंट है, शी यूज टू गो ऑन व्हील चेयर, ठीक है, तो मैम ने यहाँ पर लिखा है ए के साथ 10 है। When an animal with ears like fan, कौन सा है यहाँ पर लिखा है? Elephant, यहाँ पर आप देख सकते हो 9th वाला पॉइंट है elephant। फिर C पॉइंट है crow, crow के क्या होते हैं? Feathers on skin, that is the first point। Then fourth national bird क्या है? Peacock, this is the 8th point। Then E is elephants live in, elephants साथ में रहते हैं किस में? Herd में, this is the 2nd point। And the F is the king ordered to his people to cut trees. That is the 3rd point. Then Amrita belongs to which community? Bishnoi. This is the 5th point. And the H point is Muzaffarpur district is where? Muzaffarpur is in Bihar.
देन द आई इज अनीताज कॉलेज इज, अनीता कॉलेज इज 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द टाउन. अनीता का कॉलेज कितना दूर था? 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द टाउन. सो मैडम हैज रिटन हियर द 7th पॉइंट एंड द लास्ट इज अनीता वॉन्ट्स टू बिकम. वॉट शी वॉन्ट्स टू बिकम? अ होल सेलर. सो मैडम हैज रिटन हियर, यू कैन सी दिस इज द 6th पॉइंट. ओके, सो दिस इज द 3rd क्वेश्चन विच इज द मैच द फॉलोइंग. यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, दैट इज क्लास वर्क. देन क्वेश्चन नंबर 4, राइट 4 लाइन्स अबाउट अमृता. एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट 4 लाइन्स अबाउट अनीता. सो यू हैव टू राइट दिस विच मैडम इज गोइंग टू डिस्कस ऑन द ब्लैक बोर्ड. ओके, सो लेट अस सी ऑन द ब्लैक बोर्ड नाउ. ओके, सो मैडम जस्ट नाउ टोल्ड वी हैव टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4, दैट यू हैव टू राइट अबाउट 4 लाइन्स ऑन अमृता. सो मैडम हैज रिटन दिस 4 पॉइंट्स, प्लीज सी हियर. The first point is Amrita belongs to Bishnoi's community. Okay. Then the second is Amrita's true friends were trees. Third point, Amrita looks after plants and animals. She used to look after plants and animals. Then the fourth is Amrita's village was near Jodhpur. So like this 4 points you have to cover about Anita also, Anita Kushwaha also. Man has given you example, so you have to do it, and I hope you can do it. So do this work, because whenever we are going to ask the question, this will be based on this worksheet only. Hope you like this, and please rewrite in your notebook. We are going to meet in our next lecture. Thank you.